क्या नाम है और आपने सासों का पैकेज कब परचेज किया? आई एम नितिन धीमान, 12 मई 2011 को मैंने सासों का पैकेज किया था। आपके सासों के साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? सासों के साथ अनुभव बहुत सुंदर रहा, क्योंकि ये जर्नी बिल्कुल भी लीनियर नहीं थी, बिल्कुल साफ नहीं थी, बहुत उतार चढ़ाव आए। उतारों में बहुत सीखा और चढ़ाव में बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे दोस्त मिले। उन दोस्त के साथ 18 वर्ष के थे तो 18 वर्ष के बने, बच्चे थे तो बच्चे बन गए, बड़े मेजोरिटी वाले थॉट्स ट्रांसफर हुए एक दूसरे के बीच में। बहुत मज़ा आया, बहुत उतार चढ़ाव आया, और इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी बहुत रोमांचक अनुभव रहा। सासों के साथ आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? सासों एक तरीके की लाइफ, जैसे कि एक इंसान पूरा दिन जो काम करता है उसके सपनों में भी रात भर वही चीज आती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, ज्यादातर पूरा दिन मेरे एक नए यूथ के साथ जिनको मैं जानता नहीं हूँ उनके साथ बीतता है। उनकी जिंदगी के बारे में जानने से जब मैं देखता हूँ कि ये बहुत उस नॉलेज से जो आज से 20 साल पहले के लोगों ने दिया था उससे जीने की कोशिश कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि इनको जगाने का काम सासों की वजह से मैं पूरा कर पा रहा हूँ। उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाने का काम मैं कर पा रहा हूँ, उनकी एनर्जी को दोबारा से एक नई ऊर्जा, नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक नई दिशा में अप्लाई कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत जोश आता है पूरा दिन काम करके जब मैं नए यूथ के साथ उस नए इनोवेशन, नए क्रिएटिविटी को उनके साथ शेयर करता हूँ। सबसे मज़ेदार चीज़ कि सासों को देख ही नहीं पाता कि अगर सासों ना हो तो मुझे जीवन में उन लोगों के साथ जिनमें अपार ऊर्जा अपार शक्ति छिपी हुई है मैं उनके साथ मिल ही नहीं पाऊँ। सासू गुडनेस फाउंडेशन का निर्माण पहले दिन से हुआ, अभी तक आपके क्या योगदान रहे हैं? जैसा कि सासू गुडनेस फाउंडेशन की बात है तो मैं सासू गुडनेस फाउंडेशन प्रेसिडेंट राजस्थान हूँ, वहाँ से मैंने इस अभियान की शुरुआत की। बहुत बार हमारे ब्लड डोनेशन कैंप हुए, सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप पहली बार हमने ऑर्गेनाइज किया, 160 से ज़्यादा यूनिट हमने ब्लड डोनेट किया। उसके बाद दैनिक भास्कर ने कपड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अनाथ लोगों के लिए कपड़ों के लिए एक अभियान चलाया, तो हमने वहाँ बहुत सारे कपड़े डोनेट किए। जब भी ऐसी बारी आती है कि गरीबों के लिए या ऐसे लोगों के लिए हम भोजन के व्यवस्था करवा सकें, हमने बार बार कोशिश की कि जितना हमारा सामर्थ्य है हम उतना कर पाए। और आगे आपका जीवन में क्या लक्ष्य है? लक्ष्य अगर कि मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर मोनेटरी कोई लक्ष्य नहीं है, कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ का 75% हिस्सा अपने परिवार के साथ बिताऊँ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताऊँ, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो समाज के उस वर्ग के साथ बिताऊँ जो अगली वाली दुनिया को एक नई सोच दे सकता है, उनको एक उच्च स्तरीय उत्कृष्ट लाइफ दे सकता है, उनको मैं वो जज्बा जगाने में कामयाब हूँ कि जिसकी वजह से आगे आने वाले वक्त के अंदर एक सुंदर भारत का निर्माण हो सके। सासों में आने के बाद आपने क्या तब्दीली आई? सासों के आने के बाद मुझे लगा कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी इमेज दूसरों के अनुसार अपने आप को देखते हैं, लेकिन सासों में आने के बाद मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगी कि मैं सेंटर लेवल, मेरी वजह से दुनिया का आकार बनता है, मेरी वजह से दुनिया शेप में आती है, मैं जैसा उनको बताना चाहता हूँ, जैसा मैं समझाना चाहता हूँ वो दुनिया इम्प्लीमेंट करती है। कई बार हम अपनी इमेज उन लोगों की वजह से अपने ऊपर छाप देते हैं, और ज़्यादातर फेलियर ऐसे लोग होते हैं जो हमें बांध देते हैं कि हम इतने छोटी जिंदगी जी पाते हैं। सासों एक तरीके का मेरे अंदर एक हनुमान जगाने का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे लगता है ये मेरे लिए डिजर्व करती है और मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूंगा, इसके लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। थैंक यू सर।